इतना हम पंचे वर्क लोड है अच्छा कल कौनो कराटा और इनकी बकबक तो नहीं हुई रात बा इतना भंड रहा है। टाइम हो रहा है सुबह के 10 और क्या पानी है क्या पानी यहाँ रखा है आगे कितना खाली भरा है आधी बोतल है तो वाला दे तो ये जला रख तू अच्छा अच्छा होटल चेकआउट हो गया अपना अब निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए जो कि 250 किलोमीटर है यहाँ से बाकी लोग भी पीछे हैं ग्लव्स पहनते हैं निकलते हैं यहाँ से मौसम अभी तक सही है क्लाउडी है बट फिर भी धूप निकली तो गर्मी लग रही यार और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड रास्ता जाता है औली के लिए जो कि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर ऋषिकेश 254 किलोमीटर गूगल मैप में देखा 250 किलोमीटर दिखा रहा था ऐप से ही कितना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा 10 घंटे लगेगा आराम से चलेंगे तो और जोशी मठ जैसे ही आप इंटर करोगे आपका स्वागत होगा एक खूबसूरत से वाटरफॉल से जिसका नाम है जोगी वाटरफॉल और ये रहा वो अभी तो इतना पानी नहीं है बट मानसून में बहुत पानी होता है अभी तो पीपल कोटी यहाँ से 33 कर्णप्रयाग 80 80 में 10 किलोमीटर और कम करने के बाद अभी पहुँच चुके हैं हेलंग तो एक थोड़ा लैंडस्लाइड एरिया है और हेलंग से एक रास्ता जाता है वो सामने जो नीचे रास्ता देख रहे हैं आप वो जाता है कल्पेश्वर महादेव के लिए जो पंचम केदार है कल्पेश्वर महादेव वहाँ के लिए वो रास्ता जाता है जस्ट 12 या 13 किलोमीटर है वहाँ से रोड भी बना हुआ है तो डायरेक्ट मतलब मंदिर से 500 मीटर पहले तक गाड़ियाँ जाती हैं पहले तो पैदल ट्रैक था बट अभी रोड बन गया है अभी क्या काफ़ी टाइम से रोड बना हुआ है तो आप अगर इस रूट में आते हैं तो एक केदार और भी कर सकते हैं पाँचों केदार इसी रूट में आपको पड़ेंगे अब हेलंग से पड़ेंगे कर्णप्रयाग के लिए सीधा सीधा कुछ नहीं होता इन पहाड़ों में क्यों क्योंकि ये रोड कर्वी है 35 किलोमीटर डिस्टेंस अपनी कवर पीपल कोटी पहुंच चुके हैं अब यहाँ पे रुक के थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कहाँ अच्छा चलते हैं अब यहाँ से बढ़ते हैं नाश्ता पानी अपना हो गया अब और ये सबसे बेकार पैच है इस पूरे रूट का जोशीमठ तक का सबसे बेकार पैच है और काफ़ी लंबा है सामने जो गाड़ी देख रहे हैं वहाँ तक ऐसी कंडीशन है रोड की ओह पूरा ये लैंडस्लाइड एरिया है तो इसको चौड़ा किया जा रहा है तो इस वजह से और पत्थर गिर रहे हैं जल्दी ये भी सही होगा भाई जल्दी ही ये भी सही होगा इसका भी नंबर आएगा जाओ भाई जाओ सबकी लगी पड़ी है लेकिन फिर भी बकबक चालू है अभी जहाँ उतरिए ना फिर कहीं अबे बहुत दर्द कर रहा है अबे 5 मिनट रुको अरे भाई भूली ना यह ट्रिप और इस समय चारों धामों में भयंकर भीड़ है केदारनाथ तो ओवर क्राउडेड हो रखा है बद्रीनाथ में भी काफ़ी भीड़ है गंगोत्री यमुनोत्री में भी काफ़ी भीड़ है मतलब जितने भी होटल हैं सब फुल हैं और मंदिर में दर्शन के लिए दो दो तीन तीन घंटे के से भी ज़्यादा की सुबह तो 5-5, 6-6 घंटे लोग लगे रह रहे हैं तब जाके नंबर आ रहा है उनका तो मई तक पूरा मई ये समझ लीजिए अभी ऐसा ही हाल रहने वाला है तो अगर आप प्लान करके आ रहे हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आएँ क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत है कहीं कहीं पर रोड कंडीशन भी सही नहीं है बाकी आपने देखा ही है तो इस वजह से 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके आए कि इनकेस अगर आप कहीं फंस जाते हैं डिले होता है 1-2 दिन का या ट्रैक करते हैं या हेलीकॉप्टर से अगर जाना है तो मौसम ख़राब हो जाने की वजह से कभी कभी रोक दी जाती है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके आएँ और एक बार अगर आप इन चारों धामों में से जहाँ भी आ रहे हो चाहे गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं पर भी आ रहे हो अगर कहीं पर भी पहुँच गए आप तो ये मेरी गारंटी है कि आप दर्शन करे बिना तो नहीं आओगे
100% आपको दर्शन मिलेगा ज़रूर। हमने भी कई जगह उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं आज मिल पाएगा नहीं, या होटल मिल पाएगा कि नहीं, मतलब कई सारी चीज़ें होंगी। इतनी भीड़ है यहाँ पे कि उम्मीद आपकी एक बार टूटने लगी, बट एक बार अगर आप पहुँच गए ना, करते रहो आप, एक बार पहुँच गए तो 100% गारंटी के साथ आपको दर्शन ज़रूर मिले। कल रात में हमारे साथ जो हुआ, 9 बजे कपाट बंद होते, लेकिन कल 9:45 बजे मतलब लास्ट हम ही लोग थे जो दर्शन कर पाए हैं, उसके बाद कपाट बंद हो गए थे। तो सब ऊपर वाले कृपा है, किस्मत कुछ भी करा सकती है, तो आप ज़रूर आइए। और भीड़ होने का एक रीज़न ये भी है कि 3 साल से कपाट ही बंद थे, तो लोगों का धैर्य भी था कि जैसे ही कपाट खुलेंगे भोलेनाथ के दर्शन करने या चारों धामों किसी धाम के दर्शन करने जरूर जाएंगे, या चारों धाम ही करके आएंगे एक साथ। जिसके पास जैसा टाइम था वो अपने हिसाब से निकला है, तो इस वजह से भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई, ओवर क्राउडेड हो गई है चारों धाम। सामने चमोली गोपेश्वर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग कवर हो चुकी है, एंड 250 या 260 के अप्रॉक्स कवर हो चुकी है। 190 किलोमीटर और जाना है अभी। और अगर आप केदारनाथ के रास्ते इधर से जाएंगे चोपता होते हुए, तो आपको 3 केदार और पड़ेंगे। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि इस रास्ते से अगर आप आते हो तो आपको रुद्रनाथ, तुंगनाथ और मधमहेश्वर तीनों केदार मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ भी दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। बहुत ही मस्त रास्ता है वो भी, बस थोड़ा पतला है और थोड़ा खतरनाक भी, बट इतना भी खतरनाक नहीं कि कर ना पाओ। मज़े आएंगे उसको, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए उसको। चलते हैं, क्रॉस करते हैं चमोली को। यहाँ से है ऋषिकेश भैया, यहाँ से ऋषिकेश 202 किलोमीटर दिखा रहा है, श्रीनगर 97। खसक रहा है। और अगर आप ऋषिकेश से डायरेक्ट बद्रीनाथ या बद्रीनाथ से डायरेक्ट ऋषिकेश जाते हो, तो आपको 5 प्रयाग भी मिलेंगे रास्ते में, जिसमें से एक प्रयाग तो कल ही कर दिया हमने, विष्णु प्रयाग, जस्ट बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, धौली गंगा का संगम होता है वहाँ पे अलकनंदा से। अब पहुँच चुके हैं नंद प्रयाग, जो कि सेकंड नंबर पे है, और यहाँ पे नंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा रिवर में। इसके बाद आगे आएगा, जो भी आएगा वो आगे बताएंगे अभी। और वो रहा नीचे संगम पॉइंट नंदाकिनी और अलकनंदा का, चर्च ब्रिज के नीचे ही है। अब यहाँ से तो दिख नहीं रहा इतना क्लियर, वो रहा संगम पॉइंट। पढ़ते हैं, समय का अभाव है इसलिए प्रस्थान करते हैं अगली लोकेशन के लिए। ओ जैम जैम जैम, शादी का जैम, चाल भाई बड़ा चिरंजीव राजवीर प्रतिमा, डम डम दिगा डम डम दिगा डम डम दिगा डम डम। लैंडस्लाइड हो रही क्या? लैंडस्लाइड बस में गिर गया क्या मलबा? ट्रक दोनों फंसे हैं, धूल के गुबार हुए हैं, धूल के गुबार। मुझे भाई बहुत बेवकूफी है। हाँ क्या चीज? और ये जो देख रहे हैं आप, ये रेलवे काम चल रहा है, ब्रिज बन रही है, और यहाँ पे एक लास्ट स्टेशन है रेलवे का, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल लाइन आ रही है वो यहीं तक आएगी, तो उसी काम चल रहा है। स्टेशन बनेगा, रेल लाइन बनेगी, टनल बनेगी, वही सब काम चालू है। और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है भाई ऋषिकेश के बाद, अगर आपको कहीं रिवर राफ्टिंग मिलेगी तो वो कर्णप्रयाग भी मिलेगी, बट मानसून में बंद रहती है। जब पानी का फ्लो कम होता है तभी राफ्टिंग वगैरह होती है, अदरवाइज बंद कर दी जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है यार। तो अपना ये तीसरा प्रयाग भी कम्प्लीट, ऋषिकेश 171, श्रीनगर 66। चलो 2 घंटे का रास्ता ऋषिकेश का है, और यहाँ पे संगम होता है पिंडार नदी और
अलकनंदा का, इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। बहुत बढ़िया, 45 किलोमीटर आ चुके हैं जहाँ पे एक ब्रेक लिया था खाने के लिए, और इसको कवर करने में लगा 1 घंटे 20 मिनट। सही है, चलते रहते हैं आराम से। और कर्णप्रयाग में ही अगर नैनीताल कुमाऊं रीजन से आप आ रहे हो या नैनीताल की तरफ से आ रहे हो तो आप सीधा कर्णप्रयाग ही निकलोगे, यहीं पे आके रोड मिलती है। पानी जरा दे। एक सेकंड, हमें प्यास लगी यार, मैं भी पिएगा अभी, रुक जाओ, इसको क्रॉस कर लें। ये थोड़ा खतरनाक वाली जगह है। काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चौबीस घंटे कैमरा सामने आया। Hey guys, हम लोग कर्णप्रयाग उतर गए हैं। देखिए कितना तो यार जोन को जब गुजार आ रहा मिट्टी का, मिट्टी को नहीं कहते 24 आवर्स लैंडस्लाइड। हां वो 24 घंटा, वाओ तुम एक मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ मिला। ये हुआ घास लिया जाए क्या? हम लोग एक जगह खड़े हुए चीड़ पेड़ में, चीड़ चीड़ के पेड़ का यह हुआ, एक बोटा स्कूटी में बांध लिया, एक अपने में, समझो पूरे घर की चौखटे चल रहा है। तो ऐसे ही होगा अब, और क्या। बस बैक के लिए भी जगह, एक और बांध लेते हैं मैं तो पीछे, ये वाला आगे वो बड़ा वाला है भाई, हम बांध लेते हैं। सही रहा है, बैठो तुम। करीब 45 मिनट यहाँ बिताए, अब यहाँ से बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग के लिए। वाह गुरु, लैला मजनू की जोड़ी। तभी तो जल्दी कोई जोशी मठ से नहीं जाता है, जो मतलब फिजिकली नहीं फिट है वही जाते हैं। अब चल फिर नहीं पा रहे हैं और सांस की प्रॉब्लम कुछ भी है तो वही लोग जाते हैं भाई। या तो फिर एकदम प्लेन एरिया, यहाँ पे भी स्टेशन बनेगा रेलवे का। ये एकदम समतल है, चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ से घिरा हुआ है, एकदम मस्त एरिया। यहाँ पे मतलब अगर लेट हो जाए ना, यहाँ पे स्टे करने के लिए सही है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, एकदम प्लेन मैदान जैसा एरिया है। बड़ा बगल में अलकनंदा इधर, इनसे बोल दे कि श्रीनगर रुको, श्रीनगर पूरी गृहस्थी ले आए, पूरी गृहस्थी। अच्छा यहाँ पे सबका स्टॉपेज है, ग्रुप वहाँ है भाई। और वो जो सामने छोटा सा एक रास्ता दिख रहा है आपको, सफ़ेद सफ़ेद पट्टियां दिख रही हैं, वही है केदारनाथ धाम का रास्ता। रुद्रप्रयाग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, मुश्किल से 5-10 मिनट और लगेगा। तो ये रहा रुद्रप्रयाग का संगम, दो धामों का संगम कही है इसको, कोई मतलब छोटा मोटा संगम नहीं है, सबसे बड़ा संगम कह लीजिए इस रूट का। एक देवप्रयाग और एक रुद्रप्रयाग, यहाँ पे होता है संगम बद्रीनाथ धाम का केदारनाथ धाम से, मतलब मंदाकिनी नदी का अलकनंदा रिवर से है। ये थोड़ा रोड बहुत पतला भी है और थोड़ा भी बना भी नहीं है, काफ़ी जगह ऐसा ही मिलेगा आपको, बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है,
पन्ने होते। जय माँ धारी देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे की यात्रा भी आपकी कृपा से सुगम और आनंदमय होगी। धारी देवी के बाद आपको ये गोवा के बीच दिखेंगे, जहाँ पे लोग बहुत रुकते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बट हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम दौड़ाते रहेंगे जब तक है जान, दौड़ाते रहेंगे मेरी जान। शाम को 4 बज चुका है, पहुंच चुके हैं, पहुंच गया, क्रॉस कर चुके हैं श्रीनगर और एकदम ठंड हो गया है शरीर। चलते हैं कुछ खाते पीते, फिर इसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यहीं रोक लेगा, कोई होटल हो या आगे वहीं रोक ले यार, हुआ है वहीं पे रोका जाए, है ना भाई। यहाँ मैं एक मजे ले रहा हूँ, वहाँ बारिश हो रही है एकदम। गंगाधर से शक्तिमान बनने में 2 मिनट का समय लगा हमारे, भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर पड़पड़ा रहा एकदम, पता नहीं आज पहुंच पाएंगे नहीं। तो करीब 2 घंटे हो चुका है, बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है और पीछे भाई लोग श्रीनगर में रुके हुए हैं। एक बाइक पंचर हो गई है, इसका पंचर बनवा रहे हैं और सबकी वोट लग चुकी है, किसी का अब चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लगाओ, नॉट खुल गई, फांसी में तो लगाओ, क्रिकेट। तो करीब रात को 11 बजे मैं पहुंच गया था ऋषिकेश और भाई लोग कैब करके वापस चले गए थे फतेहपुर के लिए, और अब मैं निकल रहा हूँ मॉर्निंग में अगले दिन दिल्ली के लिए। और आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली किसी ट्रैवल सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।